बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं आप लोग के यहाँ सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर होंगे। तो आज हम बना रहे हैं हैदराबादी बिरयानी, दम बिरयानी, जो आप लोग को हम बताते हैं कैसे बना रहे। इसमें मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ, ये देखिए मैंने चिकन ले ली थी, इसको हमने धो के अच्छे से वॉश कर लिया। और ये मैंने पुदीना ले लिया, एक गड्डी पुदीना थी और एक गड्डी धनिया। और ये हरी मिर्ची लिए मैंने आठ, उसको हमने मोटा मोटा सा कूट लिया। और एक पाव मैंने दही लिए, एक पाव दही, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर। चले हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेशन करते हैं और आपको हम साथ साथ बताते हैं। देखिए हमने सबसे पहले चिकन ऐड कर दिया, उसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन दम बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए इसमें मैंने दही ऐड कर दी और साथ में हम और ये हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे जो हमने। आप चाहे तो इसको बिल्कुल पीस भी सकते हैं, इसकी एक चटनी बना के भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने तो इसको मोटा मोटा ही ऐड किया, ये देखिए। और बाकी मैं मसाले ऐड करते जाती हूँ, आपको साथ साथ बताते जाती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, ये देखिए खाने वाले मैंने भर के लहसुन अदरक का ऐड कर दिया है। और अभी मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ और आपको हम साथ साथ बताते जाते हैं। देखिए मैं इसके अंदर प्याज मैंने ब्राउन की थी वो ऐड कर देंगे हम इसमें, आधी हम अभी ऐड कर देंगे, बाकी हम जब बिरयानी को हम तेल लगाएंगे उस टाइम भी ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने प्याज ऐड कर दिया, अभी ऐड कर रहे हैं धनिया और पुदीना। धनिया और पुदीना ऐड करेंगे, देखिए मैंने धनिया ऐड कर दिया और ये हमने पुदीने के पत्ते लिए थे वो ऐड कर देंगे। देखिए हम इसके अंदर आधे टमाटर अभी ऐड कर देंगे और बाकी हम बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए अब इसमें ऐड करती हूँ मसाले। देखिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लाल मिर्ची पिसी हुई, देखिए लाल मिर्ची पिसी हुई, दो टी स्पून ऐड कर देंगे हम इसके अंदर लाल मिर्ची पिसी हुई। और हम लेमन ऐड करेंगे, देखिए नमक ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा टी स्पून हल्दी, देखिए हल्दी ऐड करेंगे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची दो टी स्पून, देखिए इसमें ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर दो टीस्पून। और इसमें हम ऑयल भी ऐड करेंगे अभी, जो मैंने प्याज ब्राउन किए थे वो ये ऑयल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। देखिए ये मैंने दो चमचे ऑयल ऐड कर दिया इसमें। और हम नींबू ऐड करेंगे, जूस निकाल के वो ऐड करते हैं इसमें। देखिए मैं नींबू का जूस ऐड कर रही इसमें, ये देखिए सभी जूस ऐड कर देंगे इसमें नींबू का। और इसमें से मैं बीज निकाल के फिर सभी जूस ऐड करके आपको अभी हम दिखाते हैं। ये देखिए मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते लिए सूखे हुए थे मेरे पास, तो मैं वो ऐड करी इसमें, देखिए। और मैंने लेमन सभी ऐड कर दिया, इसको हम अच्छे से मैरिनेशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे तो इसको ओवर नाइट के लिए भी रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से सब मसाले इसमें मिक्स कर लेते हैं और आपको हम फिर दिखाते हैं अभी मिक्स करके। उसके बाद जब हम बनाने के तरफ चलेंगे फिर आपको हम बताते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा सा मिक्स हो रहा है। और मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ बिरयानी मसाला अभी। बिस्मिल्लाह, ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
देखिए 2 चम्मच खाने वाले बिरयानी मसाला ऐड करी मैं इसमें, उसको हम अच्छा सा मिक्स करके मैरिनेशन करके इसको हम रख देते हैं। उसके बाद जब हम बनाएंगे फिर आपको हम बताते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। देखिए बिस्मिल्लाह, अच्छा सा मिक्स हो गया ना सभी। देखिए अभी हम कुकिंग गैस चलाते हैं और मैं मसालों में ले रही हूँ 2 टीस्पून मैंने वाइट ज़ीरा लिया है और 3 मैंने बड़ी इलायची और 2 मैंने तेज़पात और कुछ मैंने काली मिर्ची लिए और 1 दालचीनी मिर्च। जैसे ऑयल गर्म होता है उसके बाद मैं इसके अंदर ये ऐड करती हूँ। ऑयल मैंने उड़ा लिया जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे। देखिए ऑयल गर्म हो गया, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ खड़े मसाले। बिस्मिल्लाह, जैसे हो जाएंगे उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो मैंने चिकन को मैरिनेशन किया था वो इसमें ऐड करते हैं। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए इसको अच्छे से मैंने सभी को मिक्स कर लिया और इसको हम बनाने के लिए रख देंगे। वो देखिए ज़ीरा भी हो गया, वो भी अभी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ चिकन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए हम इसके अंदर सभी चिकन ऐड कर देते हैं। देखिए मैं इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी, इसको हम ऐसे ही भूनेंगे अच्छा सा चिकन को। देखिए मैं सब ऐड करके और अभी आपको हम दिखाते हैं। देखिए मैंने सभी इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया जो हमने मैरिनेशन किया था। देखिए माशाल्लाह, और इसको हम अच्छा सा भूनते हैं। इसके बाद अपने चावलों का हम पानी भी बॉयल करते हैं, हमने चावलों को भी। देखिए इसको अच्छे से मैंने चावल धो के अच्छे से वॉश करके उसके मैंने भिगो दिए थे। 2 घंटे सेला चावल भीगते हैं तो उसको मैंने अच्छा सा धो के वॉश करके उसको भिगो दिया था। और इसको अभी हम मिक्स करके और कवर करते हैं जब तक ये तैयार होगी चिकन। इसको हम अच्छा सा कवर करते हैं और आपको भी हम बताते हैं। ये देखिए ये धनिया और ये पुदीना, इसके अंदर भी हम जब बिरयानी को हम तह लगाएंगे टाइम ऐड करेंगे। ये मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ जो मैंने प्याज रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम सब ऐड कर देंगे, हम थोड़ी से बचा लेंगे ऊपर और ऐड करेंगे फिर। और ये पुदीना भी ऐड कर देंगे हम साथ में। और ये हम टमाटर जो हमने आधे इसके अंदर ऐड किए थे चिकन में और आधे अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। देखिए मैंने कुछ हरी मिर्ची ली है वो भी ऐड करूँगी कटिंग करके, इसको मैं 2 पीस में बना लूँगी। ये देखिए ये मिर्ची तेज़ वाली नहीं है इसलिए मैं इसके अंदर ये मिर्ची ऐड कर रही हूँ। देखिए सभी मैं कटिंग करके फिर आपको हम दिखाते हैं। अभी देखिए मैंने सभी हरी मिर्ची काट के ऐड कर दी और मैं इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। देखिए 1/2 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए अच्छा से तैयार हो गया ना। इसको हम साइड में कर देंगे जब हमारी बिरयानी तैयार होगी और साथ में मैं पानी भी बॉयल करने के लिए रखी चावलों के लिए। देखिए अच्छा सा इसको हमने मिक्स कर लिया। आप चाहें तो इसके अंदर लेमन भी ऐड कर सकते हैं साबुत कटिंग करके, उसको गोल गोल कटिंग करके, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही, मुझे ऐसे ही रखना है। इसमें से खाली मैंने चाट मसाला ऐड किया है। देखिए अभी चिकन को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छे से पक रही है। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए कितनी अच्छी पक रही है। बिस्मिल्लाह, तो सबको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी चिकन बहुत अच्छे से इसमें नहीं हो जाती। ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया, इसको भी हम कवर करेंगे। इसको हम वापस कवर कर देंगे।
देखिए अभी चिकन को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह, देखें चिकन ने बहुत पानी छोड़ दिया, दही में भी पानी था, दही ने भी पानी छोड़ दिया और टमाटरों ने भी, और इसी पानी के अंदर हमारी चिकन बहुत अच्छे से पक जाएगी। ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स करके तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी चिकन बहुत अच्छे से कुक नहीं हो जाती। ये देखिए बिस्मिल्लाह, इसको हम वापस कवर कर देंगे। देखिए अभी चिकन को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह, देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से पक गई और सभी पानी इसका अच्छे से ड्राई हो रहा है, खुश्क हो जाएगा सभी। और ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से कुक हो गई। देखिए इसको हम, इसको भी हम कवर नहीं करें, इसको हम ओपन नहीं बनाएंगे, इसको अच्छा सा भून लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए इसको भी हम ऐसे भूनेंगे, साथ में हमारा पानी भी जैसे बॉयल हो जाएगा हम चावल ऐड करेंगे। देखिए इसका सभी पानी अच्छे से खुश्क हो गया, हमारा माशाल्लाह मसाला रेडी हो गया बिरयानी के लिए। ये देखिए बहुत अच्छा सा पानी ड्राई हो गया है। देखिए अभी इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे, पानी अच्छे से बॉयल हो गया। बिस्मिल्लाह, मैंने चावलों की रेसिपी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है, मैं चावल कैसे बॉयल करती हूँ। देखिए अभी मैं इसमें, देखिए मैंने सभी चावल इसमें ऐड कर दिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने नमक भी ऐड कर दिया। बिस्मिल्लाह, मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, ऑयल इसलिए ऐड कर रहे हैं चावल है किले किले बनेंगे हम लोग के। देखिए बिस्मिल्लाह, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे चावल बहुत अच्छे से पक रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको हम चेक करेंगे। देखिए हमारे चावल, अगर ये तीन हिस्सों में टूट जाएंगे अब ये कच्चे हैं, जैसे ही होते हैं फिर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फिर इसको हम वापस कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाह मान रहे, देखिए अभी चावलों को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह मान रहे, देखिए हमारे चावल बहुत अच्छे से देखे पक गए। हमें इतनी कनी कच्ची चाहिए थी, एक कनी कच्ची है और बाकी चावल हमारे दम में पक जाएंगे। इसको भी हम छान लेते हैं, इसके बाद आपको हम जब बिरयानी को तह लगाएंगे फिर आपको हम दिखाएंगे। देखिए अभी मैं बिरयानी को तह लगा रही हूँ। बिस्मिल्लाह, इसके नीचे मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी, ये बिरयानी वाला मसाले का। ये देखिए सर थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छे से इसको सब ऑयल को हम इसमें फैला देंगे। अब इसके नीचे मैं थोड़े से चावल ऐड करूँगी पहले। देखिए अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए हमने थोड़े से नीचे चावल ऐड कर दिए। अब हम इसके अंदर जो हमने तैयार किया था, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैंने ऐड किया, ये ऐड करूँगी अभी इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए हम इसमें सभी टमाटर और ये जो मैंने बनाए थे प्याज वो ऐड करेंगे। पहले हम इसको नीचे ये ऐड कर देंगे थोड़े से। ये देखिए सब में इसमें अच्छे से मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। मैंने कलर को अच्छा सा इसमें उनमें फूड कलर ले लिया तो ऐड करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा। ये देखिए ये हमने ऐड कर दिए। अभी मैं इसमें ऐड करती हूँ मसाला जो हमने तैयार किया है। बिस्मिल्लाह, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा मसाला बना हमारा। हैदराबाद चिकन बिरयानी में मसाला ज़्यादा ऐड किया जाता है, हरा धनिया, पुदीना, और ये मैंने टमाटर खुद ही ऐड कर दिया। आप चाहे आप भी ऐसे बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी, जैसे मैंने बनाए आप ऐसे बिल्कुल मेरी वीडियो पूरी वॉच करके आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह, कि मैंने आपको पहली लेयर दिखा दी, अब दूसरी भी मैं सभी ऐसे लगा के फिर आपको हम दिखाते हैं। जो मैंने इसमें से चावलों का पानी निकाला है गर्म, वो भी ऐड करेंगे। देखिए सबसे आखिरी वाली है
और मैं ये सब मसाला इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए हम सब मसाला इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह मसाला इसका बहुत मज़े का बना हुआ है। देखिए इसको अच्छे से मसाले को सब हम फैला देंगे बिरयानी में। देखिए अच्छा सा हो गया ना। और ये जो मैंने प्याज बनाए थे वो ये ऐड कर देंगे, धनिया पुदीना और टमाटर। मैं सब चावल ऐड करके और इसको हम दम पे रखते हैं 10 से 15 मिनट तक। बहुत अच्छा सा दम आ जाएगा इसको। जितना अच्छा दम देंगे हम बिरयानी को उतनी अच्छी हमारी बिरयानी बनेगी। ये देखिए अब मैं इसमें सब चावल ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मैंने सब चावल ऐड कर दिए और मैं इसके ऊपर कलर ऐड करके और इसको हम दम पे रख देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और जो मैंने गर्म पानी दिखाया था वो भी ऐड कर देंगे इसमें। देखिए हम नहीं गर्म पानी है वो ऐड कर देंगे, चावल वाला ही पानी है। इससे क्या होगा अच्छा सा हमारे चावलों में। ये देखिए मैंने सब ऐड कर दिए और मैं इसके अंदर कलर ऐड करके और इसको हम दम पे रखते हैं 10 से 15 मिनट तक। बहुत अच्छा सा दम आ जाएगा, उसके बाद आपको हम डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए ये प्याज है, ये भी ऐड कर दूंगी मैं ऊपर। ओके अभी हम इसको दम पे रखते हैं। हमारी बिरयानी को बहुत अच्छा सा दम आ गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए इतना अच्छा दम आ गया है और चावल देखिए हमारे कितने अच्छे बने, खिले खिले से। ये देखिए देखिए कितने अच्छे चावल बने और खिले खिले से माशाल्लाह। अभी आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। हमारी चिकन दम बिरयानी बनके रेडी हो गई हैदराबादी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही इसकी, लाजवाब। और दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करें। आप भी बनाएं, हमें कमेंट करके बताएं आप लोग को हमारी रेसिपी कैसी लगती है। और हमारी वीडियो पूरी वॉच किया करें। जो हमारे चैनल पर ना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो बहुत जल्द मिले। इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।